पार्लर मेकअप लुक, और जो पार्लर में जैसी मेकअप होती है वो मैं आपको अफोर्डेबल प्राइस में ही आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी, और जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और भी वीडियो के लिए जो है बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर सो लेट्स डू। तो जी चलिए चलते हैं मेकअप की तरफ और आपको दिखाते हैं कि पार्लर जैसा मेकअप कैसे करके जो है आप अफोर्डेबल प्राइस में ही जो है अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं जी। ठीक है, तो जी मैंने जो है ना जी अपना स्किन केयर पहले से कर लिया है। ठीक है, जो क्लिनजिंग है और जो मॉइस्चराइजिंग टोनर एवरीथिंग मैंने जो है क्लियर कर लिया है। सो चलिए मेन चलते हैं हम लोग मेकअप की तरफ। तो हाँ जी, तो ये है पर्पल का फेशियल ऑयल जो 24 गोल्ड कैरेट का है और इसमें आर्गन ऑयल भी है, तो ये बहुत अच्छे से जो है मॉइस्चराइज कर देगा आपके फेस को। जो भी स्किन ड्राई है तो वो ज़रूर अप्लाई कर ले फेशियल ऑयल पहले मेकअप के पहले। ठीक है, मतलब अफोर्डेबल मेकअप में भी जो है आप घर बैठे ही पार्लर जैसा मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि आज जो आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ, चाहे वो आप कहीं भी ओकेशन पे जाओ, वेडिंग पे जाओ या पार्टी वेयर का मेकअप करो, तो पार्लर में ज़रूर आप लोग जो जाते होंगे या परचेस करते होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं आप लोगों को घर ही में एक ट्रिक बता दूँ जो घर में आप जो है ईजिली वेयर कर सकती हैं, बहुत अच्छे से जो है आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो फेशियल ऑयल लगाने के बाद आपके पास कोई भी फेशियल ऑयल आप अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जो है ना जी आईब्रो कर लेंगे, तो आईब्रो जो है मैंने कर लिया। उसके बाद जो है कोई भी कंसीलर पैलेट ले लीजिए जो अच्छा कवरेज देता हो, उसे जो है अपने आई को जो है अच्छी तरीके से कंसील कर लीजिए। जहाँ भी आपका डार्क है, जहाँ भी आपका जो है, तो उसे अच्छी तरीके से जो है कंसील कर लीजिए। ठीक है, तो आई मेकअप करेंगे हम लोग स्टार्टिंग, तो अच्छी तरीके से जो है आप कोई भी कंसीलर पैलेट ले लें और उसे जो है अपने आई के ऊपर अच्छी तरीके से जो है कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंड से जो है अच्छी तरीके से ब्यूटी ब्लेंड कर ले। ठीक है, क्योंकि कहीं भी जो है ना क्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे मेकअप को स्मूथ बनाने के लिए अच्छी तरीके से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, और ओवर ब्लेंडिंग भी हम लोग को नहीं करना है। कि ये नहीं कि पूरा ब्लेंडिंग कर दिया और कंसीलर तो मिटी गया और फिर आपका जो है पैचीनेस आ गया और केकीनेस भी हो जाती है ना अंडर आई की तरफ, तो ज़्यादा हम लोग को जो है नहीं करना। उसके बाद थोड़ा सा पाउडर देकर जो है इसे ये कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है जी आई मेकअप करेंगे, तो हम लोग बिगिनर हैं तो बिगिनर लोग को तो उतना अच्छा आई मेकअप तो कर नहीं पाएंगी, तो क्यों ना हम लोग जो है सेलो टेप की हेल्प ले लेते हैं। तो मैंने जो है सेलो टेप अपने साइड में लगा लिया। उसके बाद जो है अच्छा सा एक कलर लेंगे, उसके बाद जो है स्टार्टिंग करेंगे आउटर कॉर्नर में। तो आप जैसा देख रहे हैं इस तरीके से जो है आप अपने दिमाग से भी जो है आपकी जो भी ड्रेस है वो ड्रेस के साथ ही अकॉर्डिंग आप कलर मैचिंग कर लीजिएगा, बट मैं यहाँ जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो मैंने जो एक पिंक शर्ट में है यहाँ पर ही जो है मैंने इसे इस्तेमाल किया है, और बहुत अच्छे से जो है मैंने धीमे धीमे करके जो है बहुत ईजी वे में मैंने आई को स्मच किया है कलर से। उसके बाद जो है थोड़ा सा और डीप शेड ले लेंगे, पिंक से थोड़ी सी डीप शेड थी तो वो मैं जो है मिडिल पोर्शन पे वहाँ लगा रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इजी वेयर में जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है मेकअप डन होगा, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये कोई भी ओकेजन में जो है ना जी आप लोग अप्लाई कर सकते हो घर बैठे ही, और अफोर्डेबल मेकअप ही प्रोडक्ट में आप लोग कर सकते हो, क्योंकि उतना भारी मेकअप आप लोग को ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जाकर परचेस करो या फिर आप लोग जाके लो। ऐसे मेकअप में जो है ना जी आप लोग इन्वेस्ट करो जो अच्छा हो, पिगमेंटेड हो और अच्छी तरीके से जो है क्रिएट हो जाए आप लोगों। तो देखते देखते मैंने जो है आई मेकअप अपना डन कर लिया है, आप लोग देख लिए होंगे। तो काजल लगा ले रही हूँ और जो है मैंने आईलाइनर लगा लिया है, उसके बाद मस्कारा लगा कर जो है मैं अपना जो है फॉल्स लैसेस ऑफ कैमरा में जो है मैंने डन कर लिया है। सो आई मेकअप मेरा डन हो गया है। उसके बाद जो है ना जी मैं कंसील करूँगी, तो जहाँ जहाँ मेरा आप लोग देख रहे होंगे एक्नी का स्पॉट्स है, जहाँ जहाँ स्पॉट्स है वहाँ वहाँ मैं उसे जो है कंसील कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा जो है मैं अपने फेस में हाईलाइट करूँगी। और मैं जो है इसमें एक और मैंने जो किया है ना, मैंने फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है। आप लोग देखे होंगे ये मेकअप मेरा कितना इतना अच्छा से सटल हुआ है विदाउट फाउंडेशन। सोचिए बिना फाउंडेशन का भी जो है मेकअप बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, अगर आप लोग इसे करना सही प्रोसेस पे अगर करेंगे तो ज़रूर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से जो है कंसीलर से अपना फेस को कवर कर रही हूँ, और अच्छी तरीके से जो है मैं ब्लेंड करूँगी
और फिर उसके बाद जो है मैं कॉन्टोर भी कर ले रही हूँ साथ में ही, कंसीलर के साथ में मैंने कॉन्टोर भी कर लिया है तो आप देख सकते हैं। और विदाउट फाउंडेशन में ही मैं जो है इसे अप्लाई करूँगी, और इस बार मैंने फाउंडेशन नहीं दिया, मैंने सोचा क्यों ना बिना फाउंडेशन के भी मैं लुक क्रिएट कर लूँ और लगेगा कि हाँ आप जो है फाउंडेशन या हेवी मेकअप ही करके एकदम पार्लर जैसा निकले हो, कि हाँ यार पार्लर वाली आई है घर पे या फिर आप पार्लर से निकले हो। तो देखिए मैंने जो है क्रिएट कर लिया। उसके बाद जो है जी लिक्विड ब्लश अगर आपके पास हो तो आप वो ले लो, अगर नहीं है तो लिपस्टिक से भी काम चल जाती है, कोई भी अच्छा सा शेड ले लो। और मैं जो है थोड़ा मरून शेड ली थी और उसे अच्छी तरीके से जो है ऊपर की तरफ से जो है मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया, और ज़्यादा डैप नहीं करना है आपको, बस स्लो स्लो करके जो है आपको डैप डैप करना है और ऊपर की तरफ अपना ले जाना है। उसके बाद जो मेन आता है ना जी सेटिंग स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जो है अपने सेट करना पड़ता है ताकि जो है केकिनेस नहीं आए। और पाउडर जो है लूज़ पाउडर हुआ, बेकिंग करने का टेक्निक वो भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने नहीं किया, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि क्रीज बन रहा है या जहाँ जहाँ जो है आपको लग रहा है ड्राई हो रहा है तो वहाँ वहाँ ही आप जो है अच्छी तरीके से उसे कवर करें और अच्छी तरीके से जो है ब्लेंड करें। तो मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से जो है आप जो है इस तरीके से लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर से आप जो है कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर लूज़ पाउडर ही यूज़ करती हूँ, कॉम्पैक्ट बहुत कम यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है जी ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया, ये पोर्स का ब्लश है माइग्लैम का, तो इसमें से न्यूट शेड था, बहुत अच्छा न्यूट्रल कलर था, तो मैंने जो है उसे अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया नोज़ में, चिक में और फॉरहेड में भी। और फिर उसके बाद एक बार और सेटिंग स्प्रे कर लेंगे अपने फेस में, उसके बाद जो है जी हाईलाइट कर लेंगे अपने फेस को अच्छी तरीके से। हाईलाइट वहीं वहीं कीजिए जहाँ आपको जो है हाईलाइट करना है, तो जी वहाँ वहाँ आप हाईलाइट कर लीजिए, अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर लीजिएगा ताकि जो है आपको ओवर नहीं लगे मेकअप। और मैं मेकअप ऐसे करती हूँ ना कि ज़्यादा मेकअप में मतलब ओवर ना लगे, तो ऐसे कीजिए कि एक नेचुरल कलर में ही आपका जो है बहुत अच्छे से खिल के मेकअप लुक आए। उसके बाद करते हैं लिप में, लिप लाइन कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद जो है एक न्यूट सा शेड लेंगे, वही मैंने थोड़ा पीची सेट लिया था और जो है मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद माई ग्लैम का आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रेड कलर में बहुत अच्छा सा था शेड, तो उसे जो है मैंने इस्तेमाल किया और मैंने जो है जी दोनों को मिक्स मैच करके जो है मैंने वेयर कर लिया। उसके बाद जो है मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ विद ज्वेलरी के साथ, सो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है लुक है जी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल पर, और जो है जी और भी मैं वीडियोज़ जो है अपलोड करूँगी, सो कीप वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज़।